हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो वीडियो देने जा रही हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आज मैं कोई ब्यूटी से रिलेटेड यानी ब्यूटी की वीडियो नहीं डाल रही। आज मैं आपकी नॉलेज के लिए एक ऐसी जो महामारी चल रही है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही है मैं आज उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। मेरे को जितनी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज के टाइम में जैसे कोरोना वायरस आप भी देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और हालात जो हैं बहुत ही ख़राब हैं, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि वक्त रहते हम अपने आप को थोड़ा सा सेफ रखें। तो कुछ सेफ्टी के लिए चीज़ें हैं वो सबको पता है, लेकिन आज मैं कुछ खाने की चीज़ों में ऐसा बताने जा रही हूँ जो कि आपकी ऑक्सीजन की लेवल को, आपकी ऑक्सीजन की मात्रा को बॉडी के अंदर ठीक रखता है। यानी जब तक आप ठीक हैं तो आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें उनको खा के अपनी डाइट में शामिल करके ताकि आप को जो वायरस है वो जल्दी अटैक ना करे, और करे भी तो आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो स्टेबल रहे यानी ठीक रहे। तो बहुत से फ्रूट्स ऐसे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे ऑक्सीजन लेवल को ठीक रखती हैं। तो बहुत से लोग खाते भी हैं लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी पता होता कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, किसके अंदर क्या होता है, किसको खाना इस टाइम महामारी के टाइम बहुत ज़रूरी है हमें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को उठाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा चैनल आप अगर पहली बार आए हैं या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे और आप मेरी हर जो रेमेडीज़ मैं बताती हूँ आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज मैं इसलिए आपके सामने आई हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको एक नॉलेज देने वाली बात है, आपको एक अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली बात है ताकि आप लोगों को जो नहीं पता वो पता चले। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे फ्रूट्स जो हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को ठीक रखते हैं। उसके बाद जो हमारे अंदर लैक्टिक एसिड है उसको, उसका निर्माण होने से रोकते हैं। ठीक है, तो मेन हमें इस टाइम जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा जो ध्यान है वो पूरा इस तरफ है कि आपकी ऑक्सीजन की जो मात्रा है आपके अंदर मेंटेन रहे ताकि आपको दिक्कत आए तो एकदम से ऑक्सीजन की दिक्कत ना आए, क्योंकि इस टाइम ऑक्सीजन की दिक्कत बहुत ज़्यादा लोगों को आ रही है। और मैं वो फ्रूट आपको या वो चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ जिनका पीएच लेवल 8.59 यानी इतना होगा, पर इतना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए इस टाइम। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ नींबू। नींबू जो है इसके अंदर विटामिन सी है, आपको पता है ये ऑक्सीजन से भरपूर होता है और सर्दी हो, फ्लू हो, खांसी हो, जुकाम हो, इसके अंदर नींबू जो है बहुत ही अच्छा होता है इसका सेवन करना। सर, वायरस के अंदर नींबू बहुत ज़्यादा लाभदायक है, तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप अपनी डाइट के अंदर अगर आप नींबू नहीं खाते तो नींबू की मात्रा को बढ़ा दें। सब्जी में डाल के खाएँ, पानी में घोल के पिएँ, किसी भी तरह सैलेड में डाल के खाएँ, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपने अंदर नींबू की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर भेजना। तो ये तो हो गया नींबू का। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सेकेंड उसके अंदर क्या है, तरबूज। आजकल सीज़न है तरबूज का, तरबूज आपको हर जगह मिल भी जाएगा, लोग बहुत से खाते भी हैं, लेकिन एक टेस्ट के लिए हम खाते हैं, हमें ये नहीं पता कि तरबूज के हमें फ़ायदे क्या हैं। तरबूज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत है, तरबूज के अंदर फाइबर बहुत है, तरबूज के अंदर पीएच लेवल जो है उसकी मात्रा है 9। पानी वाला एक फ्रूट है तरबूज, हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मेंटेन रखने में हमारी हेल्प करता है। इस हिसाब से जो तरबूज है, तरबूज भी हमें बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा, जो इस टाइम वायरस चल रहा है इस वायरस के अंदर तरबूज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप अपनी डाइट के अंदर तरबूज की मात्रा को भी ज़रूर शामिल करें, यानी अपनी डाइट में तरबूज जरूर लें। इसके बाद आ जाता है पपीता। पपीते के अंदर जो पीएच लेवल है वो है 8.5। ये हमारी किडनी को सफाई करने में बहुत हेल्प करता है। हमारी आंतों के अंदर कोई जैसे हानिकारक पदार्थ जो इकट्ठे हो जाते हैं उसको ख़त्म करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो पपीते को भी आप अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। पपीता भी आपको हर जगह इजीली मिल जाएगा। तो इस टाइम कोशिश ये करो कि बजाय डॉक्टरों के ज़्यादा वो करने से, अगर आप ठीक हैं तो आप ठीक होते हुए, ठीक रहते हुए अपने आप को मेंटेन करें। इसके बाद नेक्स्ट फ्रूट आता है कीवी।
कीवी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। कीवी जो है एक तो ब्लड बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, किसी का ब्लड कम होता है तो बीमारियाँ बहुत जल्दी घेर लेती हैं, तो उसके अंदर कीवी बहुत अच्छा है। कीवी के अंदर जो शुगर की मात्रा होती है नेचुरल होती है, तो कीवी भी इस टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर भी ऑक्सीजन की मात्रा जो है बहुत ही ज़्यादा है, भरपूर है ऑक्सीजन से। इसके बाद आता है खुमानी। खुमानी भी आपने देखा होगा, फ्रूट ऑरेंज कलर का, इतना इतने साइज का भी होता है, बड़े साइज का भी होता है। खुमानी जो होती है फ्रूट्स के अंदर आती है, हर जगह मिल जाती है, फाइबर से भरपूर है, पीएच लेवल जो है वो इसका 8 होता है और ये भूख लगने में बहुत मदद करती है, यानी ये हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम को ठीक करती है। इसके अंदर डाइजेस्ट करने की पावर जो है वो ज़्यादा होती है, कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं तो हमारी उस चीज़ को ये डाइजेस्ट करती है। इसके अंदर एंजाइम इतने होते हैं, बहुत एंजाइम होते हैं जो हमारी ऑक्सीजन की मात्रा को मेंटेन रखते हैं, तो इस हिसाब से आपको खुमानी भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, जैसे पका हुआ केला, अजवाइन, लहसुन, शिमला मिर्च, इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल करें क्योंकि इनके अंदर जो पीएच वैल्यू है इनकी 8.5 होती है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ऑक्सीजन से भरपूर है, हमें हर तरह से मदद करती है हमारी बॉडी को ठीक रखने में, तो इन चीज़ों को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे को जितनी नॉलेज थी मैंने आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर की, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी और हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ 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 आप इस माहौल को देखते हुए अपनी डाइट के अंदर इन चीज़ों को शामिल करें। अगर आप आगे पीछे फ्रूट्स नहीं भी खाते तो इस टाइम आप इन फ्रूट्स का सेवन करें, इन फ्रूट्स को खाएं, अपनी डाइट में रखें, तो आप काफ़ी हद तक बीमारी से बचेंगे। अगर आपको कुछ छोटा मोटा वायरस होता भी है शुरुआत, तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा इतनी होगी कि आपको ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं आएगी। तो वक्त रहते ही हम अपनी बॉडी को संभाल लेते हैं। जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है तो उस टाइम हमें ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि हमारी बॉडी सहन ही नहीं कर पाती किसी वायरस को। तो बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ब्लड के अंदर अपने ऑक्सीजन की मात्रा को रखने के लिए, भरपूर रखने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आएगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप जैसे मैंने बताया आप वैसे करो, अपने एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। ओके, टेक केयर, बाय।